अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब गाइस। आज की इस वीडियो में हम Vivo Y55 का रिव्यू करेंगे और मैं आपको अपना क्लियर ऑप्शन बता दूंगा, क्लियर ओपिनियन बता दूंगा कि यार इसकी तरफ आपको जाना चाहिए, 50,000 इसकी तरफ आपको देने चाहिए या नहीं देना चाहिए। भाई 50,000 एक हलाल के पैसे आप लगा रहे हो और इसकी तरफ ही लगाने चाहिए, किसी और स्मार्टफोन की तरफ लगा देने चाहिए। अब सोचो भाई यार, आप 50,000 लगाने जा रहे हो इस फोन की तरफ, तो आप कैसा मतलब सोच के जाओगे ना। आप शॉप मतलब कहीं से भी आप इस फोन को बाइक कर रहे हो तो आप सोच के पैसे लगाओगे, यार 50,000 लगाना, क्या हमें इस फोन की तरफ देना चाहिए, किस मकसद के लिए देना चाहिए। भाई कैमरा इसके अंदर अच्छा नहीं देखने को मिला, परफॉर्मेंस हमें इतनी अच्छी नहीं देखने को मिली, तो हर तरफ से अगर देखा जाए ना तो इतना खास नहीं देखने को मिला। अब सबसे पहले दोस्तों मैंने सिंपल्स आपको मैं कुछ दिखाऊंगा जो कि मैंने इसके साथ मतलब वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई है, हर तरफ से अगर टेस्ट किए हुए हैं मैंने इस फोन के बारे में। मतलब अगर आप देखना चाहते हो अलग अलग वीडियोज, कैमरा टेस्ट, अनबॉक्सिंग, हर चीज की मतलब आपको डिटेल जो है मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, अभी अभी अपलोड की हुई है तो आप देख सकते हैं। बाकी सबसे पहले यार मैं आपको अपना ओपिनियन देता चलूं, आप दोस्तों इस फोन की 50,000 प्राइस है, मतलब इसके अंडर आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस फोन की जो सेल्फी है वो आपको 16 मेगापिक्सल देखने को मिलती है, लेकिन इस फोन का जो रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है वो 60 हर्ट्ज का देखने को मिलता है। क्या मैटर करता है? नहीं, बिल्कुल भी। देखिए यहां पर अगर देखा जाए ना तो 90 हर्ट्ज का होना जरूरी था, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें जो चीजें देखने को मिलने वाली थी वो टॉप लेवल की देखने मिलने वाली थी, क्योंकि इस फोन की प्राइस जिस तरह की 50,000 रखी गई है, क्या हमें इस तरह मतलब प्राइस से हट के क्या हमें स्पेसिफिकेशन टॉप पर नहीं देखने को मिलने वाली थी? लेकिन नहीं, यहां पर दो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो चिपसेट दिए गए वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का दिया गया जो कि 680 का चिपसेट है, जो कि आपको पहले भी देखने को मिल चुका था, जो कि ओप्पो F21 प्रो के अंदर भी देखने को मिल चुका था, लेकिन वही चिपसेट इसके अंदर देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसकी जगह हमें कौन सा फोन बाय करना चाहिए? अब सबसे मैं बड़ा सवाल आपको यह करता चलूं कि अगर आप इस फोन मतलब ये फोन आपको पसंद नहीं आता है, मतलब डिजाइनिंग के अंदर भी इतना खास नहीं देखने को मिलता, लेकिन अगर आप इसकी लुक अच्छी देखना चाह रहे हो, दूसरे स्मार्टफोन की मतलब हर तरफ से एक अच्छा स्मार्टफोन बाय करना चाह रहे हो ना, तो आप देखो भाई मैंने इसका कैमरा टेस्ट भी कर चुका हूं, मैं इसका पबजी टेस्ट भी कर चुका हूं, हर तरह का मैं मतलब टेस्ट जो है वो कर चुका हूं, क्योंकि मैंने इसको यूज किया, 2-3 दिन इसको यूज कर लिया, क्योंकि अभी जो है वो आज पाकिस्तान के मार्केट के अंदर मौजूद है, लेकिन इसको जो है वो पहले ही मतलब यहां पर अवेलेबल हो चुका था। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों इस फोन के खास पॉइंट्स की। अब देखें दोस्तों इस फोन के जो बैक साइड पर बैक मेन सेंसर देखने को मिला वो 50 मेगापिक्सल का देखने को मिला, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है कि इस फोन के अंदर जो 50 मेगापिक्सल दिया गया, लेकिन यहां पर कम से कम हमें 64 मेगापिक्सल तो होना जरूरी था, लेकिन यहां पर हमें जो है वो नहीं देखने को मिला इतना खास। अब यहां पर दोस्तों बात करें तो 8GB के साथ 128GB वाला वेरियंट देखने को मिला इसके अंदर, यह ठीक है कि रैम अच्छी दी गई है, मैम भी अच्छी दी गई है, साथ में माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इस फोन के अंदर जो डिस्प्ले साइज देखने को मिलता है वो 6.44 इंचेस का है, वो भी बेहतर है, लेकिन इस फोन के अंदर आपको अमोलेड पैनल देखने को मिलता है, ये भी बेहतर दिया गया, मैं अच्छा मतलब इसकी तरफ सेटिस्फाई हूं, लेकिन पैनल ही इसमें से सबसे हाईलाइटिंग है जो कि आप अमोलेड पैनल देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर बात क्लियर करते चले कि यार इसकी जगह हमें कौन सा फोन लेना चाहिए। देखो भाई वो वैल्यू फॉर मनी भी होगा और साथ हर चीज में आपको टॉपर देखने को मिलता होगा, मतलब यहां पर बताने का कि हर चिपसेट अंदर, कैमरे के अंदर, सेल्फी के अंदर, हर तरफ से अगर देखा जाए तो टॉप लेवल पर होगा। अब दोस्तों ये वो है Vivo V21e जिसके अंदर आपको चिपसेट भी अच्छा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का देखने को मिलता है, इससे इंप्रूव देखने को मिलता है, सेल्फी आपको 40 मेगापिक्सल की मतलब 44 मेगापिक्सल की देखने को मिलती है, और बैक पर आपको मेन सेंसर जो है 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। अभी आप अंदाजा लगाओ कि इसके अंदर 50 मेगापिक्सल है और यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, उसके अंदर 44 मेगापिक्सल की, और बैक पर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा, चिपसेट भी इंप्रूव देखने को मिला, और साथ में खास पॉइंट है कि उसके अंदर आपको जो देखने को मिला वो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, ये काफी अच्छी बात है। इसके अंदर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है और मुझे बिल्कुल भी इसके अंदर अच्छा नहीं लगा। और साथ में दोस्तों एक चीज उसके अंदर मैं वीक पॉइंट बताता चलूं कि उसके अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, बाकी बैटरी ही कम देखने को मिल रही है, बाकी हर चीज उसके अंदर टॉप पर देखने को मिलेगी, अमोलेड पैनल देखने को मिलेगा, 6.44 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, इसके अंदर भी वही देखने को मिल रहा है, उसके अंदर भी वही देखने को मिल रहा है, बाकी दूसरी चीजें जो इंप्रूव देखने को मिल रही है उसके अंदर, और प्राइस भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलेगी। अब क्लियर हो चुका है ये ओपिनियन, अब दोस्तों आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं किसकी तरफ जाना चाहिए। मैंने आपको अपना ओपिनियन तो भाई दे दिया कि आप Vivo V21e की तरफ चले जाओ। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, तो चलिएगा इस मिलते किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।